हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आईपीएल 2023 की नीलामी से पहले की ट्रेड विंडो बीसीसीआई के द्वारा ऑलरेडी स्टार्ट की जा चुकी है और इस ट्रेड विंडो में हमारे सामने काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं। बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी हमें इस ट्रेड विंडो में ट्रेड होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आज इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरी डिटेल में बताएंगे जितने भी ट्रेड प्लेयर्स हैं। इसके साथ ही उनकी ट्रेड टीम, उनके प्राइस के बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन के। जो इस ट्रेड लिस्ट में प्लेयर का नाम निकल कर आता है वो है रविंद्र जडेजा। दरअसल रविंद्र जडेजा पिछले काफी टाइम से आईपीएल की ट्रेड विंडो में आने का ट्राई कर रहे थे। हमने भी आपको बताया था कि जडेजा और सीएसके के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था, और ऐसे में अब चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट ने ऑफिशियली जडेजा की ट्रेड को लेकर फाइनल स्टेटस बता दिया है, जहां पर सीएसके के मैनेजमेंट ने बताया है कि रविंद्र जडेजा को इस ट्रेड विंडो में ऑलरेडी 3 आईपीएल टीमों की साइड से ऑफर निकल कर आया है। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम की साइड से इनको ऑफर आया है, इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद और उनके साथ ही मुंबई इंडियंस की टीम की साइड से भी इनको ऑफर आया है, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम 8 से 10 करोड़ रुपए इनको देने को तैयार है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इनको 11 करोड़ रुपए देना चाहती है और मुंबई इंडियंस की टीम की साइड से जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, क्योंकि एमआई के पास ज़्यादा बैलेंस नहीं बचा है। लेकिन ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इन तीनों ही फ्रेंचाइज को फिलहाल के लिए ट्रेड को करने से मना कर दिया, यानी कि उन्होंने बता दिया है कि अभी वो जडेजा को ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद इस लिस्ट में जो आगे प्लेयर निकल कर आता है उसका नाम है रवि शाही किशोर। दरअसल आर शाही किशोर, जो कि हमें इस बार गुजरात टाइटंस की टीम में देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों ने आईपीएल 2022 के भी कुछ मुकाबलों में रवि शाही किशोर को उनकी टीम से खेलते हुए देखा होगा, लेकिन अब आर शाही किशोर की साइड से यह अपडेट है कि उनको ज्यादा चांसेस नहीं मिल पा रहे थे गुजरात टाइटन्स की टीम में। ऑलरेडी काफी सारे ऑलराउंडर्स हमें जीटी की टीम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि राशिद खान है, ऑलरेडी उनके पास राहुल तिवाटिया है, हार्दिक पांड्या है, तो ऐसे में ये नहीं चाहते थे कि ये इस टीम में ज्यादा टाइम तक खेलें, क्योंकि इनको अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में सीएसके की टीम इनको ट्रेड करना चाहती थी, लेकिन गुजरात टाइटंस की टीम के द्वारा आर शाही किशोर की इस ट्रेड के लिए फिलहाल के लिए मना कर दिया गया है। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम निकल कर आता है राहुल तिवाटिया का। दरअसल राहुल तिवाटिया हमें गुजरात टाइटंस के वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर्स के तौर पर नजर आए थे, और ऐसे में अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं उनको काफ़ी सारी टीमें ट्रेड करना चाहती हैं। ऐसे ही राहुल तिवाटिया को भी 2 से 3 टीमें ट्रेड करना चाहती थी अपनी टीम में, लेकिन ऑब्वियसली बात है ये तो कि गुजरात टाइटंस की टीम इस बार आईपीएल के डिफेंडिंग चैंपियन है, और ऐसे में वो अपनी टीम में क्यों ही चेंजेस करना चाहेंगे। तो ऐसे में राहुल तिवाटिया की जो ट्रेड है इसके लिए भी उन्होंने उन सभी टीमों को डिनाई कर दिया है। इसके बाद इस लिस्ट में आगे नाम निकल कर आता है शुभमन गिल का। शुभमन गिल भी जीटी की टीम में, और क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी अभी तक ट्रेड इनिशिएट हुई है वो जीटी की टीम से ही हुई है, क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रांग टीम है कि हर कोई इनकी टीम को तोड़कर अपनी टीम को मजबूत बनाना चाहता है। तो ऐसे में शुभमन गिल को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की साइड से ऑफर आया है, जहां पर केकेआर की टीम आईपीएल 2022 में शुभमन गिल को रिलीज करने के बाद इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर एक ओपनर को भी अपनी टीम में फाइनलाइज नहीं कर पाई थी। तो इन्हीं सब रीजंस के चलते अब वो चाहते हैं कि शुभमन गिल उनकी टीम में वापस आ जाएं, लेकिन अब ये गुजरात टाइटंस की टीम के ऊपर है कि इनके द्वारा इस ट्रेड के ऑफर को क्या ये एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। तो गाइज, ये वीडियो ही तक थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।